ये जो बिल्डिंग बनी हुई है यही है रियासी का रेलवे स्टेशन। तो जो यार ये टनल आप मेरे सामने देख रहे हो ना, ये है एस्केप टनल। सो गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग? होप आप सभी लोग हमेशा की तरह रॉक कर रहे होंगे। तो अभी आप लोकेशन देख रहे हो, तो ये लोकेशन मैंने काफ़ी बार दिखा चुका हूँ। तो ये है अपना ग्राम रोड। जो हमारा मेन मकसद है यहाँ पे आने का, वो पता क्या है? इशा आपको दिख रहा होगा कुछ बिल्डिंग बनी हुई हैं, और ये बिल्डिंग क्या बनी है अभी आपको बताते हैं। आधे लोग तो समझ गए होंगे, और जिनको समझ नहीं आया तो ब्लॉग देखो, पूरा समझ आ जाएगा, ठीक है। तो आज हम आए हैं रियासी के रेलवे स्टेशन को कवर करने। ये जो आपको सामने कुछ बिल्डिंग दिख रही है ना, ये जो बिल्डिंग बनी हुई है यही है रियासी का रेलवे स्टेशन। सो चैनल पे बने रहे, तो चलो दिखाते हैं आपको, ठीक है। और सबसे पहले आप जाकर सुबह सुबह व्यू चेक करो यार। अभी सुबह 8:30 बज रहे हैं और हम सुबह सुबह ही आ गए हैं, क्योंकि यार फिर बाद में थोड़ा काम पड़ जाता है, फिर बड़े दिन से ट्राई कर रहा आने का, तो आज तो टाइम निकाल के हम आए हैं। अब अंतिम चरण में है रियासी रेलवे स्टेशन का काम। पुल नंबर 39 और टनल नंबर 5 के बीच बन रहा है रियासी का पहला रेलवे स्टेशन। तो फाइनली दोस्तों, अभी हम पहुंच चुके हैं रेलवे स्टेशन के ओवर पास, और यहां से पूरा प्रॉपर व्यू दिखाई दे रहा है स्टेशन का। पिछले कुछ सालों से इस रेलवे स्टेशन का काम चल रहा है, और अब जाकर इस रेलवे स्टेशन का काम अपने अंतिम चरण में है। सो फाइनली दोस्तों, पहुंच चुके हम रेलवे स्टेशन के बिल्कुल पास, और ये रहा हमारे सामने रेलवे स्टेशन। रेलवे स्टेशन हमारे बिल्कुल सामने है, तो देख लो कितना प्यारा व्यू लग रहा है। ये हम हमारे सामने रेलवे स्टेशन, और ठीक सामने ही ब्रिज है, और ये रहा हमारा रियासी शहर। देख लो कितना प्यारा लग रहा है ना। चलो तो यार और पास चलते हैं, और फिर हम आपको ये पूरा डिटेल से दिखाएंगे, ठीक है। और अभी जो ये दृश्य आपको वीडियो में दिख रहा है, जब आप रेलवे स्टेशन की तरफ जाएंगे तब आपको ये दृश्य देखने को मिलेगा। तो यार एक बार आपको मैं पूरा बिल्कुल पास से दिखा देता हूँ। तो फ्लावर्स लग रहे हैं, फ्लावर ही लगे हो ना, ये घास है, फ्लावर है, जो भी है। और दूर से देखने में यार ये चीज़ ना काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगती है, जब अपने घर से मेरे ये चीज़ मेरे घर से भी दिखाई देती है, और सच बोलो इतनी ज़्यादा प्यारी लगती है ना ये। और तो सामने ही एक टनल भी है, चलो आपको वो भी दिखाते हैं। तो यार आप जो पानी देख रहे हो ना, जो साथ साथ में बह रहा था, वो पानी ये है, और ये पानी जो है ये निकल रहा है इस टनल से, तो देख सकते हो ना आप। तो जो यार ये टनल आप मेरे सामने देख रहे हो ना, ये है एस्केप टनल। कल को अगर बाई चांस भगवान ने करे कोई भी उस टनल में एमरजेंसी हो जाए, तो ये टनल एस्केप के लिए है। ये तो ये जो पानी है ना, अभी तो आपको ऐसे दिख रहा, बट जब पूरी प्रॉपर फंक्शनैलिटी में आएगा ये टनल, तो यहाँ पे पूरे प्रॉपर सीवेज बनाएंगे, जिससे ये पूरा पानी बह के, ठीक है। और ये नहीं है कि आपको यहाँ पे ताड़ी मार के बाहर आना पड़ेगा, कि कंस्ट्रक्शन चल रही है अंदर से, तो जब रेडी हो जाएगा तो एक बार आपको फिर दिखाएंगे, ठीक है। यार एक और चीज़, ये जो पानी है ना, ये पहाड़ी के पीछे जो बर्फ़ जमी होती है ना, ये वही बर्फ़ पिघल के पानी के रूप में आ रही है, समझ रहे हो। तो यहाँ पे अभी एक टनल हो रहा है, तो चलो आपको वो टनल भी दिखाते हैं। तो होप कि आपको आज के ब्लॉग में मज़ा भी आ रहा होगा, क्योंकि काफ़ी इन्फॉर्मेटिव ब्लॉग है ना। तो चल रहे हैं, फिर दिखाते हैं आपको, ठीक है, और कुछ भी। तो एक टनल तो आपने ये देख ली, जो दूसरी टनल है वो दिखाता हूँ। तो एक टनल तो दोस्तों वो थी, जो दूसरी टनल जिसकी हम बात करने वाले हैं वो है हमारे सामने ये वाली टनल नंबर 5। तो एक बार दूसरी दिखाता हूँ आपको मैं, कितनी ज़्यादा ह्यूज है। तो यार जो मेन टनल है, जो एक टनल सामने है, अभी यहाँ से दिखेंगे नहीं, आगे जाके दिखाता हूँ, तो वहाँ से ब्रिज कनेक्ट हो रहा है, और यहाँ पर अभी पूरा प्रॉपर ट्रैक बनेगा, और ट्रैक बनने के बाद ये है मेन टनल, टनल नंबर 5। तो देख सकते हो अनन्या वहाँ पे खड़ा हुआ है, और भी कितना छोटा लग रहा है, तो समझ लो भाई ये टनल कितनी ज़्यादा बड़ी है।
तो ट्रेन वहाँ से आएगी, यहाँ पूरा ट्रैक होगा और यहाँ पे अभी ट्रैक की कंस्ट्रक्शन चल रही है और ट्रेन यहाँ से अंदर और सीधा कोड़ी वाली साइड से बाहर निकलेगी। कटरा धर्म सेक्शन के बीच 16 टनल और 22 पुल होंगे। 47.8 किलोमीटर के इस रास्ते में 41 किलोमीटर सफ़र टनल और 4 किलोमीटर सफ़र पुल पर होगा। केवल 2.8 किलोमीटर सफ़र ही ज़मीन पर होगा। तो यार और कुछ नहीं, कर रियासी का व्यू देखो, मैं सच बोल रहा हूँ कैमरा में जस्टिस नहीं हो सकता, बट जो यहाँ से व्यू आ रहा है ना, आपको यहाँ पे खुद ही आके देखना पड़ेगा, इतना तगड़ा व्यू ना यार। रियासी बस स्टैंड से लगभग 4 किलोमीटर दूर ये रेलवे स्टेशन बन रहा है और इस स्टेशन पर आने के वक्त आपको रास्ते के कुछ अनोखे नज़ारे भी देखने को मिलेंगे। 22 पुल और 16 टनल की यह यात्रा यात्रियों की यात्रा को रोमांचक और यादगार बना देंगी। पुल नंबर 39 की एक खासियत यह भी है कि इसका एक पिलर कुतुब मीनार से भी 22 मीटर ऊंचा है। और तो और, आपको इस रेलवे स्टेशन से भी रियासी के अनोखे दृश्य देखने को मिलेंगे। तो दोस्तों, अभी एक बार आपसे अंदर लेके हम आपको दिखाता हूँ मैं यहाँ से जो व्यू आता है, जो हमारे रियासी का रेलवे स्टेशन है ना, वो होगा कुछ ऐसा अंदर से। तो ये ब्लॉग अभी किसी ने इतना पूरा कवर किया है नहीं, बट हम कर रहे हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो और ये देखो, ये रहे रियासी रेलवे स्टेशन से दिखने वाले कुछ अनोखे नज़ारे। और कुछ ऐसा दिखता है हमारा रियासी रेलवे स्टेशन। तो यार ये टेरेस है यहाँ की जो रेलवे स्टेशन बन रहा है, तो ये नीचे बिल्डिंग है ये कंस्ट्रक्ट हो चुकी है पूरी। और अभी आप जो ये स्थान देख रहे हैं, यहीं पर बिछेगी रेलवे पटरी। तो दोस्तों, कैसा लग रहा है आपको रियासी के रेलवे स्टेशन का पूरा टूर, मुझे नीचे बताना कमेंट करके। यार काफ़ी ज़्यादा मेहनत लग रही है यहाँ पे शूट करने में, क्योंकि थोड़ा पैदल ही थोड़ा दूर दूर जाना पड़ा शूट के लिए, तो मेहनत तो लग रही है, बट व्लॉग भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा बन रहा है। और आई होप सो कि व्लॉग की जो क्वालिटी है वो भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी आ रही है। और एक बार आप यहाँ से अपना रियासी देख लो यार, ये देखो, तो ये पूरी बिल्डिंग बनी है, तो ये पूरी बिल्डिंग अभी कंस्ट्रक्शन चल रही है, देख लो। तो दोस्तों, जो आप ब्रिज देखते हैं ना, जो आपको रियासी से ब्रिज दिखता था जिसकी मैं बात कर रहा था, तो वो ये रहा हमारे सामने ब्रिज। तो अभी तो मैं आपको इसी एंगल से दिखा सकता हूँ, इसके ऊपर चढ़ के तो दिखा नहीं सकता, अगर होप्स हो कि यहाँ परमिशन देते ऊपर जाने की तो दिखा देंगे। तो ये रहा ब्रिज और पीछे तो पूरा रेलवे स्टेशन रहा, और यहाँ पर अभी पूरा ट्रैक बनेगा, तो अभी ट्रैक का भी वेट है। तो जब पूरा रेलवे स्टेशन कंप्लीट हो जाएगा ना, और जिस दिन इसकी इनॉग्रेशन होगी उस दिन भी हम यहाँ पे आएंगे शूट करने, ठीक है। तो ये रहा हमारे सामने अभी ब्रिज। और ये जो अभी आप पुल देख रहे हैं, ये है पुल नंबर 39। तो यार ये रहा हमारे सामने रेलवे स्टेशन ब्रिज, और अभी यहाँ पे कंस्ट्रक्शन चल रही है और ऊपर जाना लॉबी नहीं है, क्योंकि यहाँ से दूसरी कंपनी का काम स्टार्ट है, तो उनकी परमिशन ज़रूरी है जाने के लिए, बट ऊपर जाने का कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि फिर वहाँ से भी वही व्यू दिखेगा जो आपको यहाँ से दिख रहा है। तो मेन तो था जो ब्रिज है वो बाहर से दिखाना, वो मैंने आपको दिखा दिया हुआ है, ठीक है। और तो और, यही ब्रिज आपको रियासी शहर से दिखाई देता है। तो यार अभी यहाँ के ऑफिसर से बात हो रही थी, तो वो कह रहे हैं कि अभी एक साल लग जाएगा और इसको कंप्लीट होने में, तो यही सीन है। तो अभी चल रहे हैं नीचे वाली साइड, तो वहाँ से कुछ एक दो शॉट्स लेते हैं और फिर आपको दिखाते हैं, ठीक है, कुछ चलो। और तो और, अगर अब किसी चीज़ का इंतज़ार है तो वो है रियासी रेलवे स्टेशन कंप्लीट होने का। मैंने आपको पहले भी बताया कि इस रेलवे स्टेशन पर आते समय
आपको कुछ अनोखे दृश्य भी देखने को मिलेंगे। तो फाइनली दोस्तों, ये रहा हमारे सामने हमारा रियासी का रेलवे स्टेशन। बस यार इतना ही था आज का व्लॉग। तो कैसा लगा आपको आज का व्लॉग मुझे नीचे बताना कमेंट करके। तो यार काफ़ी ज़्यादा मेहनत लगी है, सुबह से मैं और अनन्या निकले हुए हैं व्लॉग शूट करने, और भाई मेहनत सच बोलूँ काफ़ी ज़्यादा लगती है। और जो ये रहा सामने ब्रिज, तो उस साइड से शूट करने का कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि फिर सेम ही चीज़ रहती। मेन तो था हमें अपना रियासी का रेलवे स्टेशन दिखाना है ना, और वो तो हमने दिखा दिया हुआ है। तो बस यही था आज का व्लॉग। तो कैसा लगा आपको आज का व्लॉग मुझे नीचे बताना कमेंट करके। अगर आपको आज वाली वीडियो पसंद आ गई तो करना लाइक, जिसने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लो। मिलते हैं एक और नए डेली व्लॉग और एक अमेजिंग वीडियो के साथ जल्दी। टिल देन बाय एंड स्टे सेफ। तो बस दोस्तों यही था आज का व्लॉग, और इतनी मेहनत के लिए एक लाइक और कमेंट बनता है।